सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर जिमी। सो गाइस आज के थोड़े बात करने वाले हैं कि अगर आप एक पेटीएम यूजर्स हैं, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, अगर आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन से रेफर करके पैसा आप अर्न करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रेफर करके पैसा अर्न करता हूँ, अगर आप इस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं रेफर करके अपने पेटीएम एप्लीकेशन से, तो आप कैसे कमाएंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर डे 100 रुपीज करके एक एक घंटे में एक या 10-10 मिनट में मुझे यहाँ पे 100 रुपीज मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने लिंक को शेयर करके अच्छा खासा इनकम यहाँ से पेटीएम से कर लूँ, तो आप कैसे करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कि अगर आप भी अच्छा खासा इनकम अपने पेटीएम एप्लीकेशन से रेफर करके आप कमाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं अपने पेटीएम एप्लीकेशन से, तो आप कैसे कमाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ पेटीएम से रेफर करके पैसा कमाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तब गाइस आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पेटीएम एप्लीकेशन से रेफर करके आपको पैसा कैसे अर्न करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे मैं से पेटीएम से पर डे यहाँ पे 100 रुपीज करके यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइस रेफरल योर कस्टमर 100 रुपीज, यहाँ पे फॉर रेफरल योर कस्टमर 100 रुपीज, यहाँ पे 100 रुपीज करके मैं पर डे यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। अगर आप भी इस तरीके से अर्न करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना। अगर आपके फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली अपने पेटीएम एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर देना, जैसे अपन पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो आपको भी अपने पेटीएम एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्किप का, आपको स्किप पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फिर से अपने प्रोफाइल पर टाइप करना है। प्रोफाइल पर टाइप करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन टू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना। आप अपने जिस मोबाइल नंबर से अपने बैंक मतलब अकाउंट को बनाना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में अब आपको प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है। प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद में अब आपको हमें परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद में अब आपका यहाँ पे पेटीएम अकाउंट बन चुका है, यहाँ पर वेरीफिकेशन होगा। वेरीफिकेशन होने के बाद में अब आपका यहाँ पे पेटीएम अकाउंट लॉग इन हो चुका है, मेरे पेटीएम अकाउंट से लॉग इन हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस पेटीएम में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते गाइस आपकी जिस मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, आपको सिंपली उसी नंबर से अपने पेटीएम अकाउंट को बना लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अपने बैंक को इसमें लिंक कर लेना है। तो हम जैसे मेरे यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो अपने बैंक को हम ऐसे लिंक कर लेंगे। यहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट है लिंक हो चुका है, यहाँ पे देख सकते गाइस यहाँ पे कमरा सॉल्यूशन योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड। अब आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो बैंक अकाउंट है मेरी से पेटीएम में लिंक हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पर जब गाइस आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा तो आपको वहाँ से चाहे आप वहाँ से 1 रुपये पेमेंट करें चाहे 10 रुपये पेमेंट करें, आपको वहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अब आप पैसा कैसे अर्न करेंगे इसलिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में गाइस आपको स्वाइप करते हुए नीचे आना है। स्वाइप करते हुए नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे रेफर एंड अर्न यहाँ पे 100 रुपीज़ का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे रेफर एंड अर्न 100 रुपीज़ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पर रेफर एंड अर्न 100 रुपीज़ या फिर अर्न 100 एवरी थिंग्स यहाँ पे रेफर, मतलब गाइस आपको अपनी किसी फ्रेंड को रेफर करना है आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ मिलेगा। आपको अपने फ्रेंड को रेफर करना है आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ मिलेगा। और आपको जब आप अपने फ्रेंड को रेफर करेंगे तो आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि अभी फर्स्ट UPI मनी ट्रांसफर करेगा तभी आपको मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आप इसका यहाँ पे पूरा बायोडाटा आप यहाँ से नाउ मोड पर क्लिक करके आप इसको पूरा बायोडाटा आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 10,000 रुपये पर डे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ मैंसन किया गया है। अब आपको जैसे बैक आना है, बैक आने के बाद में आप लिंक कैसे शेयर करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर रेफर VI व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपका यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होगा। तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जैसे हम अपने व्हाट्सएप के थ्रू इस लिंक को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं अपने फ्रेंड के पास शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से शेयर कर दिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि इस लिंक पर टाइप करके पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। गाइस आपका फ्रेंड इस लिंक पर टाइप करके पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा, तब आपको जब अपना पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड करने के बाद में जब आप वहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लेगा, लॉगिन करने के बाद में अपना अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट ओपन करने के बाद में फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन करेगा तब आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ मिलेगा। UPI ट्रांजेक्शन आपको कैसे करना है, सिंपली आपको सिर्फ इस तरीके से आपको UPI ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं पे 1 रुपये यहाँ पे इंटर कर देंगे, जैसे आप एक दो जितना पैसा आप भेजना चाहते हैं उतना पैसा आप भेज सकते हैं। जैसे मैं 1 रुपये भेजना चाहते हैं 1 रुपये डाल देंगे, उसके बाद में आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से अपना UPI पिन इंटर कर देना, आपका जो भी UPI पिन होगा अपना UPI पिन इंटर कर देना।
आपको सिंपली टिक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आपका ट्रांजेक्शन ऐसा सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको वहाँ पर 100 रुपीज कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी इस कैशबैक को यूज कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।